सबसे पहला एक्सरसाइज रहेगा हमारा रशियन ट्विस्ट। इस वीडियो को आप एज अ टाइमर भी यूज कर सकते हो। अपर बॉडी जमीन पर रहेगा, पैर भी जमीन पर। कोर पे वर्कआउट किया है तो पीछे का भी करना बहुत जरूरी है, सो दैट बॉडी आपकी स्टेबलाइज रहे। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल मॉडर्न डे क्रिकेट। जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेटर्स होम वर्कआउट सीरीज चल रहा है और आज वेडनेसडे और आज हम कर रहे हैं कोर वर्कआउट। मंडे हमने किया था लोअर बॉडी वर्कआउट, ट्यूजडे किया अपर बॉडी और आज वेडनेसडे और आज हम कर रहे हैं कोर वर्कआउट। अभी आप एक वीडियो देखोगे, इस वीडियो में मैं खुद से सारे वर्कआउट्स करके दिखाऊंगा। कुछ 10-12 कोर वर्कआउट हैं, ये बहुत इजी है, तो वीडियो देखकर आप आराम से समझ जाओगे कि किस एक्सरसाइज को किस तरह करना है, तो उसको अलग से समझाने की आपको जरूरत नहीं है। आप इजीली इस वीडियो को देखकर सारे वर्कआउट खुद से कर सकते हो और इस वीडियो को आप एज अ टाइमर भी यूज कर सकते हो। मतलब आप जब वर्कआउट कर रहे हो आपको अलग से स्टॉपवॉच या किसी टाइमर की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में टाइमर चलता रहेगा, आप बस वर्कआउट करते समय एक बार उठकर देख लो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है। मैं उसमें स्टार्ट स्टॉप बोलता रहूंगा तो उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करते रहना, ठीक है। 12 एक्सरसाइजेस है, सारा एक्सरसाइज 20 सेकंड्स का है, तो आपको बैक टू बैक करना है। तो चलिए सीधा चलते वीडियो की तरफ। उसके पहले अगर मंडे एंड ट्यूजडे वाला वर्कआउट अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इजीली चेकआउट कर सकते हो और अपना वर्कआउट कंटिन्यू रख सकते हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सो टेक योर पोजीशन, 3, 2, 1 स्टार्ट। सबसे पहला एक्सरसाइज रहेगा हमारा रशियन ट्विस्ट और इसको हम 20 सेकंड करेंगे। अपर बॉडी हवा में, पैर भी हवा में और आपका हिप जो रहेगा वो बस टच करेगा ग्राउंड को। बॉडी स्टेबल और ईच साइड ऑल्टरनेट टाइम्स करना है आपको 20 सेकंड्स के लिए। इसमें मेडिसिन बॉल, डंबल कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप साथ में। 2, 1 चेंज। जो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो होगा प्लैंक। प्लैंक में बॉडी स्टेबल और हिप्स को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है और ना ही हिप्स को डाउन करना है। हिप्स एकदम स्ट्रेट रहेगा, बॉडी स्ट्रेट, आगे देखना है, नीचे नहीं देखना है, आगे देखते रहना है। 5, 4, 3, 2, 1 चेंज। सो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा ये रहेगा हिप रेज। इसमें हमें जितना ज़्यादा हो सके हिप्स को ज़मीन से ऊपर उठाना है, अपने बैक में लेट जाना है और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करना है कि अपने टो से स्काई को टच करने का। जितना ज़्यादा आप ऊपर कर सको उतना ज़्यादा आपके कोर के लिए बेनिफिशियल है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें करना है ऑल्टरनेट हील टच। आपको ऑल्टरनेटली हील्स अपने टच करने हैं, हल्का सा आपका फ्लेक्स रहेगा, कोर ऊपर हल्का सा उठ कर रहेंगे और इसमें आप रेगुलर आपके कोर में वो इफेक्ट जा रहा है, वो टेंशन बना हुआ है, तो करते रहना है, बिल्कुल आधे में नहीं छोड़ना है। 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है मॉडिफाइड वी सेट्स। इसमें पैरों को हवा में रखना, अपर बॉडी भी हवा में और क्रिस क्रॉस पैटर्न चलेगा आपके पैरों का। बिल्कुल 20 सेकेंड्स करना और जितना ज़्यादा रिपीटेशन हो सके उतना ज़्यादा करना है। सारा टेंशन आपके कोर में आ रहा है एंड गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। 20 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 चेंज। अब अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हील टच। हल्का हल्का हल्का, जैसे हम लोग क्रंचेस करते हैं, जैसे हम लोग सेटअप्स मारते हैं, वैसे ही हल्का हल्का ऊपर आना है और अपने हील्स को टच करना है। बिल्कुल बढ़िया, अपने आप को गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। यू कैन डू इट। 3, 2, 1 एंड चेंज। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होगा प्लैंक स्टेप अप। जी हाँ, जिस तरह से हमने प्लैंक किया था अब उसी प्लैंक का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। हल्का हल्का बीच में उठना है और इसमें आपको ब्रेक नहीं करना है कि उठकर एक ही पोजीशन में खड़े हो गए फिर जा रहे, एक अच्छे से फ्लो में करना है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। सो हमारा नेक्स्ट है प्लैंक वॉकआउट। प्लैंक वाले पोजीशन में हल्का हल्का अपने एल्बोज को आगे ड्रैग करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पीछे लेकर आना है, फिर हल्का आगे ड्रैग करना है, फिर पीछे लेकर आना है। इसमें सारा इफेक्ट आपके कोर मसल्स में जा रहा है और सारे कोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे ऑल्टरनेट क्रॉस क्रंच। ऑल्टरनेट आपको अपने नीज को छूना है, राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच करना और लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच करना है, ये भी 20 सेकेंड्स करना है और जितना ज़्यादा रिपीटेशन हो सके उतना ज़्यादा रिपीटेशन करना है 20 सेकेंड्स में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जाए आपके कोर में। 5, 4, 3, 2, 1 चेंज। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाईसाइकिल क्रंच। जी हाँ,
क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट एल्बो से ऑल्टरनेट नी को टच करना है, राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करना है। इंटेंसिटी बिल्कुल हाई रखनी है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना और उसी फ्लो पे करते रहना है। 5 4 3 2 1 चेंज। सो दिस इज एंड ऑफ सेट 1। तो क्रिकेटर्स अभी जो आपने देखा ये था कोर वर्कआउट, इसको आपको 2 सेट करना है। मतलब अभी तक जो हुआ है इसे आप रिवाइंड करके फिर से देख लो और इसको सेकेंड टाइम दोबारा करो। अब इसके बाद जो आप देखोगे ये होगा बैक वर्कआउट, क्योंकि अभी हमने कोर पे वर्कआउट किया है तो पीछे का भी करना बहुत जरूरी है, सो दैट बॉडी आपकी स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो चलिए अब बैक वाले एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। लेट्स गो। टेक योर पोजिशन, 3 2 1 स्टार्ट। हम यहाँ पर शोल्डर ब्रिज से स्टार्ट करेंगे। आपका अपर बॉडी जमीन पर रहेगा, पैर भी जमीन पर, बस आपका जो हिप है वो जितना ज़्यादा हो सके ऊपर ऊपर पुश करना है, बिल्कुल ऊपर कोशिश करना है। ट्राई टू टच द स्काई विथ योर हिप। 5 4 3 2 1 एंड चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा ऑल्टरनेट बर्ड रेस। इसमें ऑल्टरनेट लेग्स एंड ऑल्टरनेट हैंड्स को हमें रेस करना है। राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, जितना ज़्यादा हो सके 20 सेकेंड में उतना ज़्यादा रिपीटेशंस करना है। बिल्कुल सारा इफेक्ट आपके बैक में आना चाहिए, सारा इफेक्ट आपको बैक में फील हो रहा होगा। एंड यस, 5 4 3 2 1 एंड चेंज, एंड ऑफ सेट 1। सो गाइस ये थे सारे एक्सरसाइजेस कोर एंड बैक के, इसे ज़रूर से करें। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, ये कम नहीं है, आप जब करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड ये वेडनेसडे का प्लान था। अब हमें थर्सडे क्या करना है, थर्सडे हमें वही मंडे जो हमने किया था थर्सडे वही करना है, लोअर बॉडी। फिर फ्राइडे क्या करना है, फ्राइडे हमें ट्यूसडे का रिपीट करना है। एंड सैटरडे क्या करना है, सैटरडे हमें आज का वर्कआउट रिपीट करना है। मतलब 6 डेज में ये सारे वर्कआउट को 2 बार करना है, सो दैट आपका मसल यूज टू हो जाए। एक बार आपका मसल यूज टू हो जाएगा उस एक्सरसाइज में, अच्छे से अडेप्ट कर लेगा, तो आपका अच्छा खासा स्ट्रेंथ डेवलप होगा और मसल भी अच्छे से ग्रो होगा। तो ज़रूर से इन सारे एक्सरसाइजेस को करें। और अगर इन फ्यूचर मुझे लगा कि एक्सरसाइजेस में कुछ चेंज लाना चाहिए अब, तो मैं ज़रूर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आपके भाई की ये सारी मेहनत आपको पसंद आई, तो ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि मैं दिन रात दिमाग लगाकर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड इसमें लाता रहता हूँ, सो दैट आपका क्रिकेटिंग करियर में ग्रोथ होता रहे। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड थैंक्स अ लॉट, आप सब की वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, वो भी सिर्फ 3 महीने में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। एंड चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।